उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार रात एक वकील को बुरी तरह से पीटा गया और गले में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक के पिता ने गांजा तस्करी से जुड़े लोगों पर हत्या का शक जताया है। वहीं पुलिस हत्या की वजह पुरानी रंजिश मान रही है। पुलिस ने एक आरोपी विनायक ठाकुर को गिरफ्तार किया है। चार आरोपी अभी फरार है। इस घटना से साथी वकीलों में रोष है। वह शव को लेकर कोर्ट पहुंच गए हैं। वकीलों ने प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रियंका गांधी ने इस मामले पर ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए न्याय की लड़ाई में परिवार को सहयोग करने का आश्वासन दिया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव कलेक्ट्रेट पहुंचे और वकीलों से बात की। वहीं साथी वकील कलेक्ट्रेट में जिला मजिस्ट्रेट के कोर्ट रूम में शव रख कर प्रदर्शन कर रहे हैं। वकील डीएम के बुलाने पर अड़े हैं। साथ ही परिवार को 50 लाख का मुआवजा व दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की मांग की जा रही है। इसी बीच एसएसपी कालानिधि नैथिनी ने इंस्पेक्टर कृष्णा नगर प्रदीप सिंह को सस्पेंड कर दिया है। कृष्णा नगर इलाके के दामोदर नगर निवासी 32 वर्षीय शिशि त्रिपाठी पेशे से अधिवक्ता थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी विनायक ठाकुर और एक अन्य नामजद वकील मोनू तिवारी के साथ शिशिर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, लेकिन कुछ समय से किसी बात को अनबन चल रही थी। मंगलवार रात शिशिर बाइक से घर लौट रहा था। दामोदर नगर चौराहे पर विनायक और अन्य चार ने उसे रोक लिया। पुराने मामले को लेकर पहले दोनों में बहस हुई, इसके बाद पांचों ने शिशिर पर हमला बोल दिया। ईंट पत्थर व डंडे से उसे बेरहमी से पीटा, इसके बाद चाकू मार दिया। इससे शिशिर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हत्याकांड में आरोपी विनायक ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के पिता गोपी चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि शाम 5 बजे एक लड़का मेरे बेटे को बुलाकर ले गया था, उसके बाद वह घर नहीं आया। बाद में हत्या की सूचना मिली। जो बुलाने आया था उसके बारे में पता नहीं है। उन्होंने मोनू तिवारी नाम के शख्स पर हत्या का आरोप लगाया है। मोनू गांजा बेचता है, उसने उधार लिया था। लेन देन के कारण विवाद हुआ था। लखनऊ में वकील की हत्या पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सोराव के विजय शंकर तिवारी और शामली के अजय पाठक की हत्या के बाद अब लखनऊ में अधिवक्ता शिशि त्रिपाठी की निशंस तरीके से हत्या कर दी गई। क्या प्रदेश पूरी तरह से अपराधियों के हाथ में है? भाजपा सरकार कानून व्यवस्था के बारे में पूरी तरह फेल है। मैं इन सभी परिवारों की न्याय की लड़ाई में इनके साथ खड़ी हूँ। अधिवक्ता था और समाज सुधार के लिए के प्रति कार्य करता था। इसकी एक मोनू तिवारी नाम का जो व्यक्ति है जो गांजे का व्यापार वहाँ कर रहा था मुरैया में बैकुंड धाम के पास, उससे रंजिश चल रही थी। वो गांजे का व्यापार करता था और ये उस गांजे उस क्षेत्र को गांजा मुक्त करना चाहता था और ये उसी पर वो रंजिश मान रहा था। उसने कई बार इनको धमकी भी जान से मारा और कल इनको बुलाया है और फिर इनके ऊपर हमला कर दिया गया धारदार हथियार से और हत्या कर दिया। वो 3 साल से व्यापार कर रहा था, पुलिस की सहायता से व्यापार हो रहा था। पुलिस इसमें कोई इतनी अच्छी कार्रवाई नहीं कर रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।